गोरखपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास के क्रम में बृहस्पतिवार को अपर पुलिस महानिरीक्षक अखिल कुमार द्वारा मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा, पुलिस महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित आरटीओ के साथ गोरखपुर में यातायात संचालन की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर जाकर सर संबंधित से वार्ता करते हुए वास्तविक स्थिति की समीक्षा की गई और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न उपायों और विकल्पों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कुल सचिव आवास के पास स्थित भूमि पर चलाए जा रहे स्टैंड का निरीक्षण किया गया। वहाँ मौजूद बस संचालकों से बातचीत कर बसों के रूट एवं परिचालन व्यवस्था की जानकारी ली गई। साथ ही सड़क के किनारे फुटपाथ पर अवैध तरीके से लगाए जा रहे ठेलों खोमचों को हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके पश्चात रेलवे रोडवेज स्थित बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि परिसर के अंदर बहुत ज़्यादा जमीन उपलब्ध है, लेकिन इस जमीन का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और बसें बाहर खड़ी की जा रही हैं। पाया गया है कि परिसर की जमीन समतल नहीं है, साथ ही पुराने अनुपयुक्त जर्जर निर्माण भी पाए गए। मौके पर ARM को बुलाकर निर्देशित किया गया कि अनुपयुक्त निर्माण को हटाकर इस जमीन को तत्काल समतल कराकर सभी बसें अंदर खड़ी करें। किसी भी स्थिति में कोई बस सड़क पर खड़ी दिखाई ना दे, इसके लिए ARM को एक सप्ताह का समय मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा द्वारा दिया गया। इस स्थान पर नागरिकों के उपयोग के लिए सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया। बताना नहीं है ना यार, इसलिए थोड़ी बताएं कि हम तुमको नॉर्मल कर।